हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर लूप के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं या मल्टीपल स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप मींस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं एक से ज़्यादा, और कैसे आप मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस लगा सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो मैंने ये लिखा हुआ है, इन फॉर लूप फॉर द मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट स्लेश डिक्रीमेंट वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट देम। अगर एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन या स्टेप आप परफॉर्म करते हैं तो आप उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा सिंबल का यूज़ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा टेस्ट कंडीशन लगाई है तो उसको सेपरेट करने के दो तरीके, या तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ कीजिए या लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कीजिए। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल एंड होता है। मल्टीपल टेस्ट कंडीशन को सेपरेट करने के लिए हम लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और ऑपरेटर का करेंगे यूज़। ठीक है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ करके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सब कोड में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल बना दिए, आई कॉमा जे। ठीक है, फोर लूप बनाया मैंने। फोर के अंदर अब मैंने दो इनिशियलाइजेशन मुझे एक साथ करने हैं। मैंने आई को इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से और जे को इनिशियलाइज़ कर दिया 10 से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो इनिशियलाइजेशन मतलब एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन आप अगर कर रहे हैं तो आपको, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन सिंगल फॉर लूप। अगर एक सिंगल फॉर लूप के अंदर आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो सेपरेट करने के लिए आप कॉमा सिंबल यूज़ करेंगे। इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा सिंबल। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दिया, आई को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, जे को माइनस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट कंडीशन लगाता हूँ, और मल्टीपल टेस्ट कंडीशन को सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड या लॉजिकल और। तो मैंने कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू जब तक स्मॉलर या इक्वल है 10 के, एंड आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर है या इक्वल है 1 के। ठीक है, इस तरीके की मैंने, सॉरी, जे कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मल्टीपल टेस्ट कंडीशन है तो इनको सेपरेट करने के लिए आप एंड या फिर और का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर लूप के अंदर आके अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई को चला रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, और एक से इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आई वाला सेक्शन आप देखें, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जाएगा, है ना, 10 से जब तक छोटा रहेगा या 10 के बराबर होगा तब तक चलेगा, और हर बार एक से बढ़ते जाएगा। मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हुए इंक्रीमेंट होती जाएगी एक एक से, और 10 तक पहुँचेगी। और जे की वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी और एक एक से कम होती जाएगी, और कम होते होते वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाएगी, 1 तक कम होगी, उससे ज़्यादा कम नहीं होगी, 0 माइनस 1 माइनस 2 तक नहीं जाएगी। 10 से स्टार्ट होते हुए कम होगी एक एक से, और कम होते हुए होते होते 10 से 9, 9 से 8, अप टू सो ऑन 1 तक जाएगी। मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है 10 से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, आई को 1 से 10 तक ले जा रहे हैं एक एक करके बढ़ाते हुए,
जे को 10 से 1 तक ले जा रहे हैं एक एक से घटाते हुए। ठीक है, अब अंदर आके मैं, और यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एंड से क्या होगा, लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी आपका कंट्रोल आएगा इस लूप के अंदर। अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, उस केस में आप चले जाओगे लूप के बाहर। ठीक है, उस केस में आपका कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आएगा अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो। अगर मैं यहाँ पे और लगाता हूँ तो और के केस में क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है, पहली या दूसरी, तो आप आ जाते हो लूप के अंदर। ठीक है, और के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर सही होगी तो आपका कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा, और एंड के केस में कंपलसरी है कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए सही। और अंदर आके मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ से मैं यहाँ पे आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। मैं लिखा परसेंटेज डी, और फिर परसेंटेज डी, फिर स्लेशन लगा दिया ताकि न्यू लाइन आती जाए, और यहाँ पे लिखा आई कॉमा जे। ठीक है, आई और जे दोनों की वैल्यू मैं प्रिंट करवाते जाऊँगा। ठीक है, आई की वैल्यू शुरू में 1 है, 1 छोटा है 10 से, जे की वैल्यू 10 है, जे बड़ा है 1 से, दोनों कंडीशन सही हैं तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर आई प्लस प्लस होगा मतलब 2 हो जाएगा, जे माइनस माइनस मतलब 9 हो जाएगा, 2 छोटा है 10 से और 9 बड़ा है 1 से, दोनों अंदर, दोनों कंडीशन सही अंदर आके प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस से 3 हो गया, जे माइनस माइनस से 8 हो गया, 3 छोटा है 10 से और 8 बड़ा है 1 से, दोनों कंडीशन सही तो अंदर आके दोनों प्रिंट हो जाएंगे। एंड के केस में दोनों सही हो रहे हैं तो तभी कंट्रोल आपका अंदर आके आई और जे को प्रिंट कर रहा है, और ये दोनों ही कंडीशन लास्ट तक सही रहेंगी तो इसलिए ये पूरा चलेगा, है ना, 10 टाइम्स आपका लूप चलेगा। अब मैं थोड़ा सा इनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि सेपरेशन आ जाए इनके बीच में, आई और जे की वैल्यू के बीच में, तो मैंने स्लेश टी लगा दिया इनके बीच में, टेप कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के लिए मैं अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बार रीलोड करना पड़ेगा प्रोग्राम को, रन किया। अब आप देख रहे हैं 1 to 10 और 10 to 1 दोनों प्रिंट हो गए एक ही बार में। ठीक है, एक सिंगल लूप से अपन ने दो यहाँ पे सीरीज प्रिंट करवा दी थोड़ा सा स्पेस देते हुए, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई मल्टीपल टेस्ट कंडीशन, मल्टीपल स्टेप और मल्टीपल इनिशियलाइजेशन का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब सपोज़ मैं क्या करता हूँ, अभी तो क्या होगा, ये पूरी जो कंडीशन है थ्रू आउट दी, जैसे इसको थोड़ा छोटा करते हैं तभी आपको मैं जल्दी समझा पाऊँगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये पूरा प्रोग्राम जो है लास्ट तक सही काम कर रहा था, अब मैं सपोज़ इसको 1 से लेके 5 तक ले जाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखता, और इसको ले जाता हूँ मैं 5 से लेके 1 तक, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। ठीक है, तो अब अपन चलाते हैं तो आई की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी और जे की वैल्यू 5 से 1 तक जाएगी। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ मैंने 1 से 5 मतलब जल्दी आप समझ पाएँ इसीलिए। ठीक है, तो 1 से 5 और 5 से 1 पूरा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, दोनों कंडीशन सही होती जा रही हैं, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, शुरू में क्या है, आई के अंदर है 1, पहली बार में आई के अंदर 1 है, और जे के अंदर कितना है, आई के अंदर 1 है और जे के अंदर है 5। ठीक है, तो आई 1 जो है छोटा है 5 से,
और 5 बड़ा है 1 से, दोनों कंडीशन सही है, एंड के केस में दोनों सही है तो अंदर आएगा, आई जे की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब 1 और 5 प्रिंट हो गया, है ना, ये 1 और 5 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको इसको जो है यहाँ समझा देता हूँ, 1 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 5 प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस हुआ, मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू मैंने कम कर दी, जे माइनस माइनस, तो जे की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ देखा 2 क्या है, छोटा है किससे, 5 से, और 4 बड़ा है 1 से, अभी भी दोनों कंडीशन सही हैं, दोनों कंडीशन सही हैं तो अंदर आए और प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा आई जे की वैल्यू, आई की वैल्यू है आपकी 2 और जे की वैल्यू है 4, ठीक है, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे स्टेप परफॉर्म होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और जे की वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 क्या है, छोटा है 5 से, और 3 बड़ा है 1 से, है ना, 3 5 से छोटा है और 3 बड़ा है 1 से, दोनों कंडीशन से ही अंदर आके 3 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस मतलब 4 और जे माइनस माइनस मतलब 2, 4 छोटा है 5 से और 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन सही दोनों, एंड के केस में दोनों कंडीशन सही हो रही हैं तो ही अंदर आ पा रहा है, अगर एक भी गलत होता तो अंदर लूप के अंदर नहीं आते, तो अभी दोनों कंडीशन सही है तो लूप के अंदर आके दोनों को प्रिंट करवा दिया 4 2, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से ये स्टेप परफॉर्म होगी, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा और जे माइनस माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, और 1 1 के 1 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हैं, और एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ओवरऑल आपको ट्रू मिलेगा, तो कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और ये 5 और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये मिला यहाँ पे 5 से हो गया 6 इंक्रीमेंट होके, और जे की वैल्यू 1 से हो गई 0, अब दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, 6 ना तो छोटा है और ना बराबर है 5 के, और 0 ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है 1 के, दोनों कंडीशन गलत हो रही हैं, एंड के केस में अगर एक भी गलत होता तो लूप के बाहर आ जाता, मतलब ओवरऑल आपका यही मिल पाएगा, जब आई इक्वल टू 6 और जे इक्वल टू 0 हुआ कंडीशन गलत तो लूप के बाहर आ गए, तो आपका प्रिंट हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट में 1 2 5 और 5 2 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, मैं चला के दिखाता हूँ फिर से, ठीक है, 1 2 5 और 5 2 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 3 कर दिया मान लो, या 2 कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, और यहाँ पे एंड हटा के मैं और कर देता हूँ सपोज, या एंड ही लगा दिया अभी। अब आप पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपसे हो गया है तो इट इज़ वेरी गुड, और नहीं हुआ है मतलब आपने ट्राई तो किया लेकिन रिज़ल्ट हो सकता है आपका वो नहीं आया हो जो आना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। वापस इसको सेट कर देते हैं अपन 1 और 5, ठीक है, और ये फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं आई की वैल्यू शुरू में 1 है और जे की वैल्यू 5 है, और दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी, 1 छोटा है 5 से और 5 बड़ा है 2 के, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अंदर आके मैंने प्रिंट करवा दिया 1 एंड 5, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ मतलब 2 हो गया, और जे माइनस माइनस हुआ मतलब 4 हो गया, ठीक है, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, 2 छोटा है 5 से और 4 बड़ा है 2 से, ठीक है, 2 छोटा है 5 से और 4 बड़ा है 2 से,
दोनों कंडीशन हो रही हैं यहाँ पे सेटिस्फाई। ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं एंड के केस में, तो अंदर आएगा तो 2 और 4 आ गया। ठीक है इसको थोड़ा और छोटा ही कर लेते हैं, 3 रख देते हैं। ठीक है उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई प्लस प्लस करने से ये 3 हुआ और जे की वैल्यू कम हुई तो 3 हो गया। 3 छोटा है 5 से, सही है। यहाँ पे देखा 3 बड़ा है या बराबर है 3 के, 3 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है 3 के। ठीक है अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई है, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, दोनों कंडीशन सही हैं तो अंदर आके प्रिंट हो गया 3 और 3। उसके बाद आई प्लस प्लस किया तो 4 हो गया, जे माइनस माइनस किया तो 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन तो सही है, 4 छोटा है 5 से लेकिन 2 बड़ा नहीं है 3 से, ये कंडीशन गलत हो रही है, ना तो 2 बड़ा है और ना बराबर है 3 के, तो ये कंडीशन गलत है। तो अब एक कंडीशन सही है एक कंडीशन गलत है, तो कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये कंडीशन तो सही होती जा रही है, ये कंडीशन सही होती जा रही है तो ये तो पूरा चलेगा लेकिन ये वाला यहाँ रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। अगर चलेंगे अंदर आएगा तो फिर दोनों ही प्रिंट होंगे, और अगर कंडीशन गलत है तो एक भी नहीं प्रिंट हो पाएगा, वो तो बाहर चले जाएगा लूप के, क्योंकि एंड के केस में अगर एक भी गलत हो जाता है तो अंदर कंट्रोल आ ही नहीं पाएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है अगर मैं यहाँ 2 रखता तो एक एक लाइन और आ जाती, मतलब है ना, तो आप समझ चुके होंगे, मतलब यहाँ पे 4 और 2 भी आता। ठीक है जैसे आप अगर यहाँ 2 रखते तो एक बार फिर कंडीशन सही होती तो 4 और 2 आता। मैंने थोड़ा सा इसको और स्मॉल कर दिया, 2 भी रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगर मैंने 3 रखा तो 3 तक तो कंडीशन सही हो रही है, जब जे की वैल्यू 2 हुई तो ये वाली कंडीशन गलत होने से और ये सही होने से क्या हुआ, एक कंडीशन गलत हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे फॉल्स मिला, तो कंट्रोल चले गया लूप के बाहर। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, मुझे रीलोड करना पड़ेगा इसको। ठीक है तो ये हमारा पिछला आउटपुट 1 to 5 और 5 to 1, और रीलोड करने के बाद आप देखेंगे 2 इधर आ रही हैं। ओ सॉरी मैंने ये हटाया नहीं, ये मैंने समझाने के लिए आपको जो लिखा था इसको मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है अब मैं रन करता हूँ। ठीक है तो आप देख रहे हैं 1 2 3 5 4 3, 1 2 3 5 4 3। ठीक है तो ये पूरा लूप नहीं चल पाया क्योंकि एक कंडीशन गलत हो गई है ना, चलना तो 5 बार चाहिए था लेकिन एक कंडीशन के गलत होने के कारण, और एक सही थी तो उसको भी नहीं चलने दिया। ठीक है तो चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं तो फिर दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है अगर और होगा, और के केस में यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, अब और का तो जैसा आपको पता है कि अगर एक गलत भी हो गया तब भी चलेगा। ठीक है एक कंडीशन अगर गलत भी हो गई तब भी कंट्रोल आएगा, अंदर आएगा और अंदर आएगा तो आगे जैसे इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जब जे की वैल्यू 2 हुई तो ये कंडीशन तो गलत हो गई लेकिन ये सही है, एक भी कंडीशन अगर गलत हो गई एक भी कंडीशन अगर सही है तो कंट्रोल अंदर आएगा। कंट्रोल अंदर आया, आई और जे की जो वैल्यू थी 4 और 2, 4 और 2 प्रिंट हो जाएगा, तो ये 4 और 2 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस मतलब 5 और जे की वैल्यू माइनस माइनस मतलब 1। ठीक है तो अब भी ये कंडीशन तो सही है, 5 बराबर है 5 के लेकिन 1 जो है बड़ा नहीं है 3 के, फिर ये कंडीशन गलत हो गई, फिर ये कंडीशन गलत लेकिन पहली कंडीशन तो सही है, अगर एक भी कंडीशन सही है तो और के केस में कंट्रोल जाएगा अंदर। ठीक है तो आई और जे की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी 5 और 1। ठीक है फिर आई प्लस प्लस तो ये 6 और जे की वैल्यू 0, अब दोनों कंडीशन गलत, 6 ना तो छोटा है और ना बराबर है 5 के, 0 ना तो बड़ा है और ना बराबर है 3 के, दोनों कंडीशन गलत हो गई।
तो हमारा कंट्रोल चले जाएगा लूप के बाहर, क्योंकि और के केस में जब दोनों कंडीशन गलत होती हैं तभी हमारा ओवरऑल जो रिज़ल्ट आता है वो फॉल्स आता है। फॉल्स के केस में कंट्रोल लूप के बाहर चले गया, तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1 1 से 5 और 5 से 1, पूरा प्रिंट आपको होके दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया लॉजिकल एंड और लॉजिकल ओ लगाने में? और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, और एंड के केस में जब दोनों ट्रू होंगे तभी अंदर आएगा कंट्रोल। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब ये पूरा 5 टाइम्स चलेगा आपका लूप, 1 to 5 और 5 to 1। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि कैसे आप एक लूप के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।